भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं। तथास्तु। कभी कमलनाथ सुपरनाथ बनकर जनता की सारी मुश्किलें हल कर देते हैं, तो कभी अकेले ही रेसिंग ट्रैक पर सीएम शिवराज समेत बीजेपी के दिग्गजों को मात देते हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ का ये अवतार इन दिनों मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी सुर्खियों में है। सिलेंडर देकर बनाऊंगा सशक्त। चुनावी मौसम में कांग्रेस ने कार्टून के जरिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस सोशल मीडिया पर एक के बाद एक एनिमेटेड वीडियो पोस्ट कर रही है, जिनमें वो जनता के मुद्दों को उजागर करते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोल रही है। और इन वीडियोस का कैप्शन दिया गया है, मध्य प्रदेश का निभाने साथ सुपरनाथ बनेंगे कमलनाथ, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ। अब जरा पहला वीडियो देखिए, इसमें रेसिंग ट्रैक पर हैं बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस नेता कमलनाथ। कांग्रेस ने बीजेपी को 50% कमीशन, नफरत वाली और भ्रष्ट सरकार बताया है। वहीं कांग्रेस को किसान कर्ज माफी वाली और मोहब्बत बांटने वाली पार्टी बताया है। वीडियो के आखिर में कमलनाथ सभी बीजेपी नेताओं को हराकर रेस में सबसे आगे निकल गए। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में कमलनाथ एक सुपर हीरो के अवतार में नजर आ रहे हैं, जिसे नाम दिया गया है सुपरनाथ। शुरुआत में कमलनाथ बजरंग बली की प्रतिमा के सामने उनसे ये वरदान मांग रहे हैं कि वो किसी तरह मध्य प्रदेश की जनता को न्याय दिला सके, जिसके बाद वो कमलनाथ से सुपरनाथ बन जाते हैं और राज्य की जनता के सभी दुख दूर कर देते हैं। मेरे ऊपर ये कर्जा अब बोझ बन गया है, कैसे बेटी की फीस दूं और कैसे घर चलाऊं? मैं करूंगा हर किसान का कर्ज माफ और हर बहन को 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर देकर बनाऊंगा सशक्त। मध्य प्रदेश में करीब 32% युवा हैं और आज के समय में सोशल मीडिया युवाओं पर काफी प्रभाव डालता है। ऐसे में कमलनाथ का ये अवतार युवा मतदाताओं पर अपनी छाप छोड़ पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए बस कुछ और दिन इंतजार करना होगा। चुनाव आज तक। भगवान मुझे शक्ति दो ताकि मैं मध्य प्रदेश की भलाई और कल्याण का काम कर सकूं और प्रदेशवासियों को न्याय दिला सकूं।